जाओ। ब्रो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे मेरे भाई, बचपन से मम्मी के मुंह से सिर्फ तेरी तारीफ सुनते हुए आ रहा हूँ। आज पहली बार तू परेशान लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। शट अप। अरे मेरे भाई, मुझे तो शट अप कर देगा तू, लेकिन ये दुनिया को कैसे करेगा? तू तेरी इस चॉकलेट फ्लेवर चलवी को लाइक पे लाइक मारे जा रहे हैं यार। देख देख एक और आया। ये सब उस निशा की वजह से हुआ है। भाई चैलेंज भी तूने दिया था ना। अब भुगत। मैं नहीं, उसे भुगतना पड़ेगा। ओए ओए रितेश, रिलैक्स कर यार, थोड़ा ज्यादा हो रहा है भैया। सेंटी क्यों हो रहा है तू? अब तो समझ जा यार, निशा ऐसी लड़की नहीं है कि जिसको थोड़ा रॉब से बात किया तो मान गई। थोड़ा प्यार से, ढंग से बात कर। एक काम कर, उसको पूछ कि उसे तुझसे प्रॉब्लम क्या है। देख तू मानेगा तो नहीं, लेकिन करेगा वही जो मैं कह रहा हूं। ठीक है भाई, बाद में बात करता हूँ। चल बाय। सौरभ को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी खत्म हो चुकी है, तुम जा सकते हो। तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। निशा, निशा तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। जो कहना है वो जल्दी कहो, लेकिन दूर से। Come on यार निशा, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, और मैंने ऐसा किया ही क्या है जो तुम इतनी नाराज हो मुझसे? सब खुश थे ना, सुक्कू सारी फैमिली, तुम्हें बुरा लगा तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तुम मुझसे बात भी तो नहीं कर रही हो। वो मेरी चॉइस है। प्लीज यार निशा, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ यार, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। I've started loving you, और शादी के बाद भी तुम्हें खुश रखूंगा। जैसे जीना है जी, जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल परमिशन होगी। तो तुम मुझे परमिशन दोगे? सॉरी सर, लेकिन ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही शादी में। हटो। निशा, मुझे समझने की कोशिश तो करो। निशा मुझे बात करने का एक चांस तो दो। दो मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैंने तुम्हारी और सुमित जीजू की सारी बातें सुनी थी। It was just a boy thing, निशा, वो बोले जा रहा था तो मैंने बस रिप्लाई कर दिया। I'm sorry, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था निशा। प्लीज दो मिनट मेरे साथ बैठ जाओ और सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे सचमुच ऐसा समझता हूँ निशा, प्लीज निशा दो मिनट आ जाओ। जानता हूँ कि प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता, टाइम लगता है। मुझे शायद जल्दी हो गया, बट तुम्हें अपना टाइम चाहिए। आई एम रेडी टू वेट। आई मीन प्यार तो तभी हो सकता है ना जब एक लड़का और लड़की मिले, बात करे आपस में, एक दूसरे को समझे जाने। तभी ऑल दिस इज पॉसिबल। लव इज अ जर्नी, और ये जर्नी मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता हूं। निशा, आई जेन्युइनली लव यू निशा।
निशा निशा तुम ठीक निशा I'm sorry यार प्लीज ए क्या कर रहा है बे तू साले निशु ठीक है ना निशा प्लीज हाथ मत लगा उसको दूर रहे निशु तू ठीक है ना समझाने की कोशिश कर रहा था निशा मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था तू हाँ क्या कर रहा था तू तुझे क्या लगता है मैंने देखा नहीं सब कुछ मैंने देख भी लिया तो क्या ये मेरे और निशा का आपस का मामला है सौरभ ये मत समझना कि मैं कॉलर नहीं पकड़ सकता तो आज देख लेते हैं मैं भी यही हूँ और तू भी यही है समझा सौरभ छोड़ उसे सौरभ छोड़ निशा तुम इतना ओवर या क्यों कर रही हो नितेश तुम जाओ निशा मैंने कहा ना I'm sorry उसने बोला ना उसे तुझसे कोई बात नहीं करनी चल निकल जाए यहाँ से निशा प्लीज जा रितेश को पकड़ के आज मारता मैं अच्छी तरह अगर तू रोकती नहीं पानी लाऊं तेरे लिए तुझे तेरे रूम तक लेके चलता हूं चल खुद चलेंगे रूपन दीदी रूपन दीदी आपने तो डरा ही दिया था ये लीजिए मालपुए कल सुखू के बर्थडे के लिए बनाए थे हाँ वो मैंने कल रात को देखा था देखना तूने इतनी मेहनत की और सुखू ने खैर जाने देना आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं दीदी हाँ उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है पर मैनेज हो जाता है पता है सुबह ही सही बस सुक्कू ने उठते साथ ही बिना ब्रश किए पहले मालपुए खाया फिर सबका आशीर्वाद लिया और बाबूजी से एक दिन की छुट्टी लेके अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चला गया अच्छा इसलिए तो इतने खुश है खाइए ना मैं सबको देके आती हूँ ठीक है हेलो डॉली दी तू ठीक तो है ना मैं ठीक हूँ डॉली दी लेकिन आप इतना परेशान क्यों मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही है नशु तू प्लीज मुझे बता कल रात को क्या हुआ था बात क्या है दी कल मैंने सुमित और रितेश को फोन पर बात करते हुए सुना था और उन दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि रितेश तुझे किस करके दिखाएगा जानती हूँ मैंने भी उसे फोन पर बात करते हुए सुना था वो साला रितेश अपने आप को समझता क्या है वो निशु तू ठीक तो है ना कहीं उसने तेरे साथ कल उसने मेरे करीब आने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का मार दिया वेरी गुड बहुत अच्छा किया तूने मैं ना टोटली तेरे साथ हूँ उस जैसे इंसान के साथ ना तो ऐसे ही होना चाहिए और सुमित से भी मैं इस बारे में बात करूंगी कम से कम उसे तो इस मैटर में थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी ना डॉली दी रिलैक्स आप कुछ नहीं करोगे मेरी वजह से सुमित जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं और आप हनीमून पर हो प्लीज यहाँ की प्रॉब्लम भूल जाओ और मेरी टेंशन बिल्कुल मत करो मैं ठीक हूँ पर निशु डॉली दी मैंने कहा ना ये सिचुएशन मैं खुद हैंडल कर लूंगी पर कैसे निशु तुझे पता है ना मैं तेरे साथ हूँ और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना या तुझे किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो तू पहले मुझे बताएगी ऑफ कोर्स डॉली दी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए रितेश जो बचकानी हरकतें कर रहा है ना उसका जवाब मुझे देना आता है जो मैं देकर रहूंगी अच्छा निशु मैं रखती हूँ हाँ अपना ख्याल रखना प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को